नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा में नमाज के कमरे पर बड़ा विवाद, बीजेपी बोली हमें भी हनुमान मंदिर बनाने के लिए जगह दें, स्पीकर बोले आवेदन दे विचार करेंगे। झारखंड विधानसभा में विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित होने पर विवाद बढ़ गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के चीफ व्हिप बिरंची नारायण ने हनुमान मंदिर के लिए भी जगह देने की मांग की है। बिरंची ने भास्कर से कहा कि इस तरह यदि विधानसभा को धर्म के आधार पर बांटा गया तो झारखंड जलने लगेगा, इसके जिम्मेदार विधानसभा अध्यक्ष होंगे। विधानसभा अध्यक्ष को तुरंत यह फैसला वापस लेना चाहिए। बिरंची ने कहा कि सिर्फ 3 विधायकों के लिए अलग से कमरा आवंटित किया जा सकता है, तो 65 एमएलए के लिए कम से कम 15 कमरे आवंटित होने चाहिए, नहीं तो एक बड़ा हॉल मिले जहां हनुमान चालीसा या सत्यनारायण पाठ किया जा सके। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में पिछले 24 घंटे में मिले 9 पॉजिटिव मरीज, 16 भी ठीक हुए। धनबाद में एक संक्रमित ने तोड़ा दम। पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 9 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई, वहीं 16 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। इधर धनबाद में एक संक्रमित की मौत भी हो गई। अब राज्य में 133 एक्टिव केस बचे हुए हैं। अब तक राज्य में 347,933 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 342,660 लोग ठीक भी हो चुके हैं। सिंपल शर्मा, जिन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों को दिलाई राज्य स्तरीय पहचान। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर चाकुलिया के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के माटिया बांधी में आंचलिका विद्यापीठ उच्च विद्यालय का नाम आज राज्य स्तर पर एक अलग पहचान है। यह पहचान स्कूल की प्रधान अध्यापक सिंपल शर्मा के कारण हुआ है। झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित इस विद्यालय में बिहार क्षेत्र के आदिवासी जनजातीय पिछड़े वर्ग के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वर्ष 2010 में हिंदी शिक्षिका के रूप में सिंपल ने योगदान दिया, उस वक्त विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति चुनौती भरा कार्य था। झारखंड के कोडरमा जिले के अजीत कुमार आजाद शिक्षा के साथ सिखा रहे हैं योग और संगीत भी। बच्चों को गायन वादन के जरिए बड़े ही रोचक तरीके से पढ़ाने से सिद्धत हैं। अजीत कुमार आजाद शून्य निवेश इनोवेशन के लिए जाने जाते रहे हैं। वह उत्क्रमित विद्यालय चांदेडी के प्रभारी शिक्षक हैं। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शिक्षक होने के साथ उन्होंने विविध सेवा कार्य में अपनी अलग पहचान बनाई है। झारखंड में प्राथमिक स्कूल के 93.6% बच्चों के पास अपना मोबाइल ही नहीं, यह झारखंड में शिक्षक दिवस में असलियत। पूरा देश कल शिक्षक दिवस मनाया, दूसरी तरफ झारखंड में प्राथमिक स्कूल के बच्चों का ऑनलाइन शिक्षा के लिए 93.6% बच्चों के पास अभी भी मोबाइल नहीं है। यह तथ्य भारत ज्ञान विज्ञान समिति के एक सर्वे में उभर कर सामने आया है। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल ने रिटायर्ड शिक्षकों को किया सम्मानित, कहा झारखंड की शिक्षा नीति पर दे ध्यान। झारखंड के राज्यपाल सह कुलपति रमेश बैस ने कहा राज्य के सभी स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर संकल्प लेने के दिन है कि इस संस्थान को विशेष दर्जा दें और झारखंड की शिक्षा और अच्छी हो, कैसे हो और बेहतर किया जाए और देश के दूसरे राज्यों के विद्यार्थी झारखंड पढ़ने आए। ये बातें राज्यपाल ने रांची विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मान कार्यक्रम के दौरान कहे। इस मौके पर राज्यपाल ने कई रिटायर्ड शिक्षकों को सम्मानित भी किया। योजना जबरदस्त, मरीज लाभ लेने में हो रहे हैं पस्त। गंभीर बीमारियों के ग्रसित गरीब के इलाज में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना काफी असर कारक है। राज्य सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का दायरा भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने जा रही है। लाभ लेने के जटिल प्रक्रिया के कारण अक्सर गरीब मरीज इस योजना का लाभ लेने में पस्त हो जाते हैं। वहीं इस योजना का पूरा प्रचार प्रसार नहीं है, इस कारण कई लोग जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। राज्य और जिला स्तर पर इसकी सटीक और नियमित निगरानी हो तो यह योजना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। 12 साल से लापता थी युवती एक
ट्वीट ने परिवार से मिलाया। नेपाल के एयरलिफ्ट कर आई भारत, 20 साल की उम्र में यूपी से हुई थी गायब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लगातार अपने परिजनों से बिछड़े और मानव तस्करी के शिकार लोगों को मुक्त कराने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की पहल पर गुमशुदा आदिवासी बेटी एतबरिया उराव को सुरक्षित नेपाल से रेस्क्यू कर झारखंड लाया गया है। इसी के साथ लोहरदगा के भंडारा प्रखंड के मसमानो गांव की निवासी एतबरिया को 12 वर्ष का वनवास समाप्त कर हुआ। विदेशों में भी झारखंड के शिक्षक के टीचिंग मॉडल की चर्चा, जानिए क्या है उनका मॉडल। झारखंड के दुमका स्थित जरमुंडी प्रखंड के शिक्षक सपन कुमार के कोविड काल में बच्चों को पढ़ाने के मॉडल को अब विदेशों भी सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया के साथ टीवी चैनल पर भी इसका प्रसार हुआ है। चीन के टीवी चैनल सीसीटीवी 17 ने इसका प्रसारण किया। इसमें यह कहा गया है कि कोविड 19 के संक्रमण काल में जब स्कूल बंद थे, तो ऐसे में कैसे भारत के झारखंड के एक शिक्षक ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर नया तरीका अपनाया। आखिर क्यों चर्चा में है झारखंड के किसान चैतन्य कुमार, उनकी मेहनत से 36 एकड़ बंजर जमीन पर लहलाई फसलें। अगर आप रिस्क लेते हैं तभी आपको बड़ी सफलता मिलती है। झारखंड के खूंटी जिले में एक युवा किसान चैतन्य कुमार गंजू की सफलता का यही मंत्र है। उन्होंने 36 एकड़ जमीन के अपने फर्म में समेकित कृषि प्रणाली को बेहतरीन मॉडल पेश किया है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, ला खेती, मुर्गी और बकरी पालन के अलावा मछली पालन भी किया जा रहा है। उनके इस मॉडल को राज्य के अधिकारियों ने सराहना की है। मनरेगा ने उनके मॉडल के अपनाया भी है। इसके अलावा कई किसान उनके प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन बोले, झारखंड विधानसभा परिसर में आज नमाज के लिए कमरा दिया, कल मस्जिद के लिए जमीन दे देंगे। झारखंड विधानसभा परिषद में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा आवंटित किए जाने के विरोध जारी है। विश्व हिंदू परिषद के इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश में ऐसा कहीं भी नहीं है कि सरकारी परिसर में इस तरह का आवंटन अधिकार किसी को भी नहीं है। बीहीप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि झारखंड मुस्लिम राज्य नहीं है, यहाँ नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा आवंटित कर दिया गया। झारखंड में प्रतिबंधित संगठन PLFI के नेता और उनके दो सहयोगी गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक संगठन का एरिया कमांडर है। एक वरीय पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है। अक्टूबर में 11वीं जूनियर महिला हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का होगा आयोजन। अक्टूबर महीने में झारखंड के सिमडेगा में 11वीं जूनियर महिला हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का आगाज होगा। नेशनल चैंपियनशिप में महिला हॉकी खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। दूसरी ओर झारखंड की दो ओलंपिक बेटी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को सम्मानित किया गया। वहीं तारिणी कुमारी को इस साल झारखंड का बेस्ट महिला कोच घोषित करते हुए उन्हें भी सम्मानित किया गया। विधानसभा चुनाव 2024 में 36 सीटों पर लड़ेगा राजद, तैयारी शुरू। झारखंड प्रदेश RJD के शनिवार को पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं और जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने 6 महीने में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि 2024 के चुनाव में राजद 36 सीटों पर चुनाव की लड़ेगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। रघुवर दास ने कहा, विधानसभा को हेमंत सरकार बना रही है धर्म का अड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर CM हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार विधानसभा को भी धर्म का अड्डा बना रही है। कोई भी सरकार पंथ निरपेक्ष होने का शपथ लेती है, लेकिन इस सरकार ने सांप्रदायिक निर्णय लेकर लोकतंत्र को ही कलंकित किया है। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करके भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वह काम किया है जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। PM मोदी के जन्मदिन पर 20 दिवसीय सेवा व समर्पण अभियान शुरू करेगी BJP। सार्वजनिक सेवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में BJP 17 सितंबर से उनके जन्मदिन के मौके पर 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान शुरू करेगी, जिसमें विभिन्न सामाजिक गतिविधियां शामिल होंगे। इस आयोजन के हिस्से के रूप में होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। BJP के बूथ स्तर के कार्यकर्ता 5 करोड़ पोस्ट कार्ड भेजेंगे और स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। छात्राओं से बोला प्रिंसिपल, कल से बिना कपड़ों के स्कूल आ जाना। शिक्षक दिवस के मौके पर कुछ छात्राओं ने अपने ही शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामला MP के राजगढ़ जिले के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का है। यहां शिक्षक दिवस पर कुछ बालिकाएं सिविल ड्रेस में स्कूल पहुंची थी। प्राचार्य राधेश्याम मालवीय यह देख नाराज हो गए। प्राचार्य ने छात्राओं से कहा कि कल से बिना कपड़ों के ही आ जाना, लड़कों को तुम ही बिगाड़ रही है। अब पुलिस फरार प्रिंसिपल को तलाश रही। वायरल बुखार व अन्य बीमारियों के चलते यूपी के
प्रयागराज में 171 बच्चे अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज के CMO डॉक्टर नानन शरण ने बताया कि मोतीलाल नेहरू अस्पताल में 171 बच्चे वायरल बुखार और इन्फेक्सिलाइटिस व निमोनिया की वजह से भर्ती हुए हैं। बकौल डॉक्टर शरण, कुछ बच्चों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेड्स की कमी के चलते एक बेड पर 2-3 बच्चों को ही भर्ती किया गया है। क्या है निपाह वायरस संक्रमण जिसके कारण केरल में 12 वर्षीय लड़के की हुई मौत? केरल में रविवार को 12 वर्षीय लड़के की निपाह वायरस संक्रमण से मौत हो गई। निपाह एक जूनोटिक वायरस है जिसका मतलब यह है कि जानवरों से इंसानों में फैलता है और इसका एनिमल होस्ट फ्रूट बैट यानी चमगादड़ से संक्रमित होने पर संक्रमण और को जानवरों को इंसानों में फैला सकता है। संक्रमण के लक्षण बुखार, सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई और अन्य कारण है। पैरालंपिक समापन समारोह में स्वर्ण पदक विजेता शूटर अवनी लेखरा होंगे भारत के ध्वजवाहक। स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अवनी लेखरा रविवार को टोक्यो पैरालंपिक्स में समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी। भारतीय पैरालंपिक समिति के एक अधिकारी ने बताया, समारोह के दौरान भारतीय दल में 11 प्रतिभागी होंगे। गौरतलब है कि 19 वर्षीय लेखरा ने पैरालंपिक में महिलाओं के R8 50 मीटर राइफल्स 3P HS1 इवेंट में कांस्य पदक भी जीता है। सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद रोनाल्डो को मिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। पुर्तगाल के फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट के साथ खुद की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। उन्होंने लिखा, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले के रूप में पहचाना जाना हमेशा अच्छा होता है। रोनाल्डो ने 111 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। योगी सरकार की चुनावी सौगात किसानों के लिए लाएगी 722 करोड़ की नई योजना, मिलेंगे बहुत लाभ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। किसानों के लिए 722 करोड़ 85 लाख रुपए की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लाया जा रही है। इस योजना की मदद से अगले 5 वर्ष में किसानों को समूह में खेती कर आय बढ़ाने के लिए खेत के से बाजार तक हर स्तर पर सुविधा व संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ा, मुजफ्फरपुर में इलाज के लिए आए 200 से अधिक बच्चे 120 भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में वायरल बुखार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अब बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शनिवार को SKMCH के पिकू वार्ड में 85, केजरीवाल अस्पताल में 30 और सदर अस्पताल में 5 बच्चों को भर्ती का इलाज चल रहा है। हर दिन अलग अलग अस्पतालों के OPD में 200 से अधिक बच्चे वायरल सहित अन्य बीमारी से पीड़ित होकर सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। SKMCH के शिशु रोग विशेषज्ञ का कहना है कि बच्चों में जो अभी वायरल बुखार हो रहा है वह सामान्य वायरल इन्फेक्शन नहीं है। बच्चों में अचानक आई फीवर होकर सर्दी जुकाम में हो रही है। बिहार में मोबाइल ऐप से होगी मिड डे मील की निगरानी, स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग की तैयारी जोरों पर। बिहार में स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर विभाग की तैयारियां जोरों पर है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के स्कूलों में मिड डे मील की निगरानी मोबाइल के ऐप से ही की जाएगी। इसको लेकर जिला स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। लड़कियां नहीं पहन पाएंगी ज्वेलरी हाई हील्स, लड़कों को मानने होंगे ये नियम, NTA का ड्रेस कोड लागू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया है। नीट का आयोजन 12 सितंबर होगा, इसके लिए एडमिट कार्ड 9 सितंबर को जारी किया जाएगा। NTA ने कहा कि परीक्षा तय तिथि के समय पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में परीक्षार्थियों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।